हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष गर्ग। तो बेसिकली आज वाली क्लास में अपन कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में आगे स्टडी कर रहे हैं। हमने एक कंसंट्रेशन टर्म ऑलरेडी डील कर लिया है, दैट इज मोलैरिटी, राइट। आज अपन कुछ और कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पहले बात करेंगे। सुनिएगा ध्यान से, कंसंट्रेशन टर्म्स का अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिएगा परसेंटेज, वेट बाय वेट, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। सुनिएगा प्लीज, इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज वेट बाय वेट को कैसे डिफाइन किया जाता है? सोल्यूट का मास डिवाइड बाय सॉल्यूशन का मास मल्टीप्लाइड बाय 100। मान लीजिए आपको बोला गया, एक एग्जांपल का फॉर्म में डील करते हैं, आपको बोला गया 15 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। और आपसे पूछा गया फाइंड परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ NaOH। एज पर द फॉर्मूला परसेंटेज वेट बाय वेट जो होता है, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास कितना है, दैट इज 15 ग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज 500 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। आंसर आ जाएगा दैट इज 1500 डिवाइड बाय 500%। आई थिंक आपको बात समझ आ रहा होगा। इस तरीका से आप लोग परसेंटेज वेट बाय वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। सुनिए, मान लीजिए आपको कभी ऐसा बोला है, बच्चा ये आपके पास एक बर्तन है जिसको आप बीकर भी बोल सकते हैं, इसके ऊपर एक लेबल लगा है 15% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। बच्चा यदि ऐसा लेबल लगा है, इस लेबल को देख के आप लोग क्या स्टडी करेंगे, सुनिएगा। इसको देख के आपके दिमाग में आना चाहिए 15 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बेसिकली ये चीज क्या रिप्रेजेंट करती है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 15% वेट बाय वेट का मतलब क्या है? 15 ग्राम जो सॉल्यूट है, दैट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, सुनिए। उसके बाद जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म आता है, दैट इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसको आप कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। सेम परसेंटेज वेट बाय वेट की तरह है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। एक क्वेश्चन का फॉर्म में स्टडी करते हैं, आपको बोला गया 15 ml ऑफ इथानोल इज प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। बेसिकली जो सॉल्यूशन अपन ले रहे हैं, दैट इज एक्वस सॉल्यूशन, आपको बोला गया फाइंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। किस तरीका से बच्चे आप आंसर निकालेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज नथिंग, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज हाउ मच, 15 डिवाइड बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम 200 मल्टीप्लाइड बाय 100। आंसर आ जाएगा 1500 डिवाइड बाय 200%। आई थिंक आपको बात समझ आ रही होगी, राइट। मान लीजिए आपको बोला है, बच्चा एक लेबल लगा है 25% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथानोल,
यदि ये लेबल चिपका है, इस लेबल को देख के आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, सुनिएगा। इट स्टेट्स दैट 25 ml ऑफ इथानोल, 25 ml ऑफ इथानोल इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरीका से आप लोग परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आगे अपन स्टडी करते हैं, सुनिए। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म आपके पास आती है, दैट इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। सिंपल सा डेफिनेशन है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। सुनिएगा मेरी बात, मान लो यार आपको लेबल चिपका है 10% वेट बाय वॉल्यूम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH। तो इस लेबल को देख के आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, मेरी बात सुनिएगा। 10 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ आ रहा होगा, राइट सर। इस तरीका से आप लोग परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे सुनिएगा ध्यान से, कई बार क्या होता है, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, मेरी बात सुनिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। इफ परसेंटेज इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, देन बाय डिफॉल्ट वी हैव टू कंसिडर इट, वी हैव टू कंसिडर इट एज परसेंटेज वेट बाय वेट। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई बार क्या होता है, आपको क्वेश्चन में परसेंटेज मेंशन नहीं करता। यदि क्वेश्चन में परसेंटेज मेंशन नहीं किया है, इन दैट केसेस आपको परसेंटेज को बाय डिफॉल्ट वेट बाय वेट अज्यूम करना। मान लीजिए आपको बोला गया 15% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। देखिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, परसेंटेज तो लिखा है बट परसेंटेज मेंशन नहीं किया है। आपको बाय डिफॉल्ट किसमें लेना है, परसेंटेज वेट बाय वेट। आई कैन राइट इट इज नथिंग 15 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। आई थिंक आपको बात समझ आ रहा होगा। बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूं, यदि आपको क्वेश्चन में परसेंटेज मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या मान के चलना है, परसेंटेज वेट बाय वेट मान के चलना है। आगे सुनिएगा बच्चा, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट टर्म आती है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का बात कर लेते हैं, पहली चीज इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, ये आपका एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, रिप्रेजेंटेड बाय काई। इस तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आप क्या बोलेंगे, काई, राइट। एक और देखिएगा, द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज
is always equal to 1. देखिएगा, सबसे पहले मोल फ्रैक्शन एक यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, काई से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉल्यूशन में जितना भी कंपोनेंट्स हैं, सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होता है। आगे सुनिएगा ध्यान से, मोल फ्रैक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं बच्चा? मोल फ्रैक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है सुनिएगा। लेट अस सपोज एक सॉल्यूशन में आपके पास दो कंपोनेंट है ए एंड बी। बच्चा आपके पास एक सॉल्यूशन है विच कंटेन्स टू कंपोनेंट्स ए एंड बी, राइट? सुनिएगा आगे ध्यान से। मान लो मुझे बोला गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल, आपको ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। समझिएगा दोबारा से, एक्स ए इज इक्वल टू, मान लो इस कंपोनेंट के मोल्स एन ए है, इस कंपोनेंट के मोल्स एन बी है, तो एक्स ए का वैल्यू क्या होगा? इट इज एन ए डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी एज पर द फॉर्मूला, राइट? किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आप निकालना चाहते हैं, इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मान लीजिए बच्चा आप b का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं, सो दैट विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ b डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ a प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ b। इस तरीका से आप लोग मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे देखिएगा, समझिए, हमने एक स्टेटमेंट लिखवाया मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है सभी कंपोनेंट्स का, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। समझिएगा, हमने अभी निकाला एक्स ए का वैल्यू एन ए डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी, अभी हमने निकाला एक्स बी का वैल्यू एन बी डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी। समझिएगा ध्यान से, आई एम राइटिंग एक्स ए प्लस एक्स बी, ये आपको बताना। तो अपन क्या करते हैं, दोनों टर्म्स को ऐड करते हैं। बच्चा जब आप एक्स ए प्लस एक्स बी करेंगे तो व्हाट इज दैट फिगर? एन ए डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी। यहां से आप क्या कर सकते हैं, एन ए प्लस एन बी इट इज नथिंग एन ए प्लस एन बी। इस तरीका से आप लोग लिख सकते हैं, ये पूरा फिगर कैंसल हो जाएगा एंड दैट फिगर विल कम्स आउट टू बी 1। तो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू आपका 1 के बराबर होगा। किसी भी सॉल्यूशन में सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज 1 के इक्वल होता है। आगे सुनिएगा ध्यान से, समझिएगा थोड़ा। मान लीजिए आपसे पूछा गया, एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं, 1 मोल ऑफ NaOH, 2 मोल ऑफ वॉटर एंड, इसको अपन 4 मोल कर लेते हैं, एंड 1 मोल ऑफ दैट इज NaCl आर मिक्स, सबको मिक्स कर दिया, इसको ज्यादा ही कर लीजिए आप 10 मोल कर लीजिए, बिकॉज वॉटर में ये चीजें डिजोल्व भी होनी चाहिए, राइट सर? देखिएगा, सबको अपन ने मिक्स किया, मुझे अभी भी कम लग रहा है, इन मोल्स को और इंक्रीज कर लीजिए, दैट इज लेट अस सपोज 20 मोल कर लीजिए। आपसे पूछा गया फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वॉटर, आपसे वॉटर का मोल फ्रैक्शन बच्चा पूछा गया, किस तरीका से कैलकुलेट करेंगे सुनिएगा ध्यान से। बच्चा वॉटर का मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होगा? दैट इज मोल्स ऑफ वॉटर डिवाइड बाय मोल्स ऑफ वॉटर प्लस मोल्स ऑफ NaOH प्लस मोल्स ऑफ NaCl।
हमने बोला मोल फ्रैक्शन को आप कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। आपके पास मोल फ्रैक्शन वॉटर का आएगा दैट इज इक्वल टू वॉटर के मोल्स कितने हैं दैट इज 20 डिवाइड बाय 20 प्लस 1 प्लस 1, आंसर आ जाएगा 20/22, दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीका से आप लोग मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं, सुनिए ध्यान से सुनिएगा, देखिए आपको बोला गया एक बीकर है, बीकर में लिखा है NaOH का मोल फ्रैक्शन 0.2 है और ये आपने एक्वा सॉल्यूशन लिया, यू आर टेकिंग एक्वा सॉल्यूशन। तो ये जो मोल फ्रैक्शन आपको दिया गया है इसको देख के आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए वो सुनिएगा। बच्चा यदि NaOH का मोल फ्रैक्शन 0.2 है तो यू कैन से जो वॉटर का मोल फ्रैक्शन होगा दैट इज इक्वल टू 0.8, बिकॉज सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 के इक्वल होता है, राइट सर। सुनिएगा ध्यान से, आप इसको कैसा स्टडी करेंगे, इट इज नथिंग, इट रिप्रेजेंट 0.2 मोल ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 0.8 मोल ऑफ वॉटर। इस तरीका से आप लोग इसे स्टडी करेंगे, दैट इज 0.2 मोल ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 0.8 मोल ऑफ वॉटर। सर आप हमें क्यों बता रहे हैं, इसका क्या रिक्वायरमेंट है? बच्चा जब मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं उसमें आपको ये डेफिनेशन बिल्कुल क्लैरिटी से पता होनी जरूरी है, राइट सर। उसके बाद अपन एक लास्ट कंसंट्रेशन तक और पढ़ने जा रहे हैं, लास्ट को नहीं बोलेंगे, बची तो काफी सारी है, सुनिएगा मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। बच्चा इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, आगे सुनिएगा, सुनिएगा ध्यान से, यूनिट जो होता है इसका दैट इज इट इज मोल पर केजी, ये आपके पास यूनिट होता है मोलैलिटी का। नॉर्मली इसको वो स्मॉल एम भी लिखेगा तो बाय डिफॉल्ट आपके दिमाग में आना चाहिए मोलैलिटी का बात किया जा रहा है। बच्चा मोलैलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं सुन लीजिएगा, बात ध्यान से सुनिएगा, मोलैलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। आई कैन ऑल्सो राइट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम्स में देता है, तो ऊपर आप 1000 से मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा। बच्चा ये आपके पास एक मोलैलिटी का फॉर्मूला तैयार हो गया है, आई थिंक आप लोगों को बात समझ आ रही होगी। इस तरीका से आप लोग मोलैलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए आपको बोला गया, सुनिएगा आपको बोला गया, प्लीज सुनिएगा, 0.5 स्मॉल एम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ लेट अस सपोज अगेन NaOH। बेसिकली ये जो चीज है इससे आपके दिमाग में क्या आएगा वो समझना जरूरी है, इट रिप्रेजेंट 0.5 मोल्स ऑफ, सुनिएगा 0.5 मोल्स ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं सॉल्वेंट यहां पे वॉटर लिया गया है, आई कैन ऑल्सो राइट 1 किलोग्राम ऑफ
वॉटर, आई थिंक आपको बात समझ आ रहा होगा, राइट सर? मैं आपको एक न्यूमेरिकल का हेल्प से बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से, मुझसे बोला गया, प्लीज सुनिएगा। बहुत सिंपल सवाल है, 20 ग्राम ऑफ NaOH इज डिसॉल्व इन, लेट अस सपोज दैट इज 820 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। फाइन, एक्वा सॉल्यूशन लिया जा रहा है मोलेल। सुनिएगा, आंसर पे कैसे अप्रोच करनी है, मेरी बात दोबारा सुनिएगा। जैसा कि आप जानते हैं, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, राइट? वेट ऑफ सॉल्वेंट, बच्चा यदि ये चीज ग्राम्स में दी है तो ऊपर आप 1000 से मल्टीप्लाई करना मत भूलिए। 20 ग्राम आपको NaOH दिया गया है, और बच्चा जानकारी के लिए बता दूं, NaOH का जो मोलर मास होता है दैट इज 40 ग्राम पर मोल, तो यहां से NaOH के मोल्स आ जाएंगे आपके पास, और मोल्स आएंगे हाफ मोल, राइट सर? तो मोलैलिटी किसके बराबर आएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय, ध्यान से सुनिएगा, डिवाइड बाय, आप लोग 820 नहीं लेंगे बिकॉज 820 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन एंड यू हैव टू टेक द मास ऑफ सॉल्वेंट। 20 ग्राम सॉल्यूट है, 820 ग्राम सॉल्यूशन है, तो मुझे बताएं सॉल्वेंट का मास कितना होगा, दैट इज 800 ग्राम। तो आंसर आ जाएगा, इट इज नथिंग, 1000 डिवाइड बाय 1600। इस तरीका से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।